नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। आयकर विभाग के रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के विरुद्ध कालाधन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मांग की गई है और कारण बताओ नोटिस जारी कर 31 अगस्त तक जवाब मांगा है। उन पर दो स्विस बैंक खातों में जमा 814 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित धनराशि पर 420 करोड़ रुपए की जानबूझकर चोरी का आरोप लगाया गया है। गया के विष्णुपद मंदिर में मंत्री इसराइल मंसूरी के जाने पर गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, जब शासक नास्तिक हो और हिंदू विरोधी हो जाएगा तो बिहार में धर्म की रक्षा कैसे होगी। एक मुसलमान के साथ विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने वाले नीतीश कुमार ने जानबूझकर मंदिर की पवित्रता को भंग किया है और सनातन का अपमान किया है। एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन गौतम अडानी एनडीटीवी में 29.18% की हिस्सेदारी खरीदने जा रहे हैं। मंगलवार शाम को अडानी ग्रुप ने इसका ऐलान किया। एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड की सहायक कंपनी वीसीपीएल के जरिए यह इनडायरेक्ट स्टेक लिया जाएगा, जिसके बाद एनडीटीवी की सीईओ बोली कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों की पिटाई के मामले में तेजस्वी यादव ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा है। नीतीश जी, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आप ही हैं या तेजस्वी यादव? आखिरकार बिहार में सरकार कौन चला रहा है, नीतीश या तेजस्वी? भारत के दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का शानदार फॉर्म इंग्लैंड में जारी है। उन्होंने मिडिलसेक्स के खिलाफ मंगलवार को 90 गेंद पर 132 रन की विस्फोटक पारी खेली। उनके शतक की बदौलत सेंसेक्स की टीम ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 400 रन बनाए। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह बदले की कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि सीबीआई छापा से डराने की कोशिश की जा रही है। हम लोग सीबीआई छापेमारी से डरने वाले नहीं हैं। नई सरकार बनाने से भाजपा डर गई है। तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह को गिरफ्तारी के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 का पालन नहीं किए जाने के बाद रिहाई का आदेश दे दिया गया। पैगंबर मोहम्मद पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर जारी सीबीआई की छापेमारी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, कुछ घंटों की देरी है, जिसको जो करना है वो करेगा ही। हमें जो जवाब देना है वो सदन के अंदर जवाब देंगे। धैर्य रखिए, 100 सुनार का और 1 लुहार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के फाइनल में भाग लेने वाले छात्रों को 25 अगस्त को रात 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसके तहत लोगों को उनके दैनिक जीवन में पेश आ रही समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए छात्रों को प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है। सीबीआई ने बुधवार को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के गुरुग्राम के सेक्टर 71 में स्थित अर्नब क्यूब्स मॉल में छापेमारी की। बता दें कि इस मॉल में तेजस्वी यादव की हिस्सेदारी है। कहा जा रहा है कि यह पूरा मामला नौकरी के बदले जमीन से जुड़ा है। सीबीआई इसी केस में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बरेली के इज्जत नगर स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान विपक्ष पर हमला करते हुए आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी दलों में चोरी और फिर सीना चोरी दिखाने का चलन हो गया है। हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पेशी है। ऐसे में व्यवहार न्यायालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल यह मामला वर्ष 2015 का है, जब लालू यादव गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के तेरसिया में हुए एक सभा को संबोधित कर रहे थे। भाषण के दौरान उन पर जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार यानी 24 अगस्त को पंजाब दौरे पर जा रहे हैं, जिसके बाद चंडीगढ़ को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। चंडीगढ़ में अब 24 तारीख तक कोई ड्रोन या अनमैन्ड एरियल व्हीकल नहीं उड़ाया जा सकेगा और साथ ही 144 के तहत हथियार रखने पर भी पाबंदी लगाई गई है। आईपीएल की दूसरी सबसे सफल फ्रेंचाइजी को चेन्नई सुपर किंग्स ने सेलिब्रेट किया और उसका वीडियो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन खिलाड़ियों को दिखाया है जिन्होंने सीएसके को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस वीडियो में धोनी ने अपने आप को सबसे अंत में रखा है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने मंगलवार को ओडिशा में एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। VLSRSAM
प्रणाली को DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्विटर की याचिका पर मंगलवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से जवाब मांगा, जिसमें सोशल मीडिया मंच ने अदालत के एक पूर्व के आदेश में कुछ स्पष्टीकरण मांगा है। ट्विटर ने ईरानी के लंबित दीवानी मानहानि के मुकदमे के संबंध में यह आवेदन दाखिल किया है। ट्विटर ने केंद्रीय मंत्री तथा उनकी बेटी पर लगाए आरोपों से जुड़े ट्वीट तथा अन्य सोशल मीडिया पोस्ट हटाने को कहा था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पूनावाला ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कोविड 19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में उनके नेतृत्व को लेकर उन्हें बधाई दी। मैं एक उद्यमी के रूप में सुधारों, सामाजिक कल्याण और आत्मनिर्भर भारत के लिए दृष्टि के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को बहुत आश्वस्त करने वाला पाता हूँ। NCP अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को विपक्षी पार्टियों से अपने अपने मतभेदों को अलग रखकर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ BJP के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का कर्तव्य है। आपके अरविंद केजरीवाल से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारी वास्तविक लड़ाई BJP के साथ है। हमारी लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों के साथ है। देश को ओलंपिक, एशियाड और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक दिलाने वाले वर्तमान और गुजरे जमाने के नामी खिलाड़ियों के साथ मिलकर खेल मंत्रालय 29 अगस्त से राष्ट्रीय खेल दिवस आओ खेल मुहिम शुरू करने जा रहा है। खेल मंत्रालय इस बार देश भर में 200 से अधिक स्थानों पर एक साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान 1980 में वाजपेयी के एक बयान का हमला लेते हुए अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के कामों को श्रेय दिया है। गडकरी ने नेटकॉन 2022 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। फरीदाबाद में PM मोदी ने एशिया के सबसे बड़े अस्पताल अमृता हॉस्पिटल का बुधवार को उद्घाटन किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां इलाज एक सेवा है, आरोग्य एक दान है और हमारे यहां आयुर्विज्ञान एक वेद है। हमने हमारी मेडिकल साइंस को भी आयुर्वेद का नाम दिया है। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को दावा किया है कि भाजपा ने दिल्ली में उसके 4 विधायकों से संपर्क किया और उनसे पाला बदलकर भाजपा में शामिल होने की पेशकश करते हुए कहा कि ऐसा न करने पर उन्हें झूठे मामलों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI और ED का सामना करना पड़ सकता है। अगर वे पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें 20-20 करोड़ रुपए और अन्य विधायकों को साथ लाने पर 25 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा 1900 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 3 सितंबर 2022 से शुरू होगी। वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 23 सितंबर 2022 है। उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.drdo.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। RBI की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य जयंत आर वर्मा ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि के दृष्टिकोण के लिए सबसे बड़ा जोखिम भू राजनीतिक संकट का बढ़ना है। वर्मा ने कहा कि महंगाई तथा इसके बढ़ने की आशंका कम होती दिख रही है और उच्च महंगाई निश्चित रूप से देश में मानक नहीं बनेगी। उन्होंने कई कारणों का हवाला देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सतर्कता के साथ सकारात्मक उम्मीद जताई है। एक रिटायर्ड शिक्षिका को व्हाट्सएप लिंक को टैप करते ही उन्हें ₹21 लाख का चूना लग गया। पुलिस के अनुसार शिक्षिका को व्हाट्सएप पर एक लिंक मिला था और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद उसका बैंक अकाउंट हैक हो गया और उसके खाते से सारे पैसे निकाल लिए गए। यह मामला अन्नमैया आंध्र प्रदेश का है। भारत सरकार ने बिहार के किसानों को आमदनी को दुगना करने का रास्ता प्रशस्त किया और राज्य के मिथिला मखाने को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग प्रदान कर दिया है। इस खिताब के पीछे राज्य कृषि विभाग और बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की 5 साल की कड़ी मेहनत शामिल है। पप्पन सिंह गहलोत ने कोरोना काल में दरिया दिल्ली दिखाई और लॉकडाउन के दौरान कामगारों को अपने खर्चे पर हवाई जहाज से बिहार भेजा था। बता दें कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है और उनका शव दिल्ली के एक मंदिर में फांसी के फंदे से लटकता पाया गया। उनके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें उन्होंने आत्महत्या की वजह बीमारी को बताया है। बॉलीवुड को लेकर बायकॉट ट्रेंड और कैंसिल कल्चर को लेकर अमिताभ बच्चन ने मंगलवार को ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, कुछ बातें करने का मन करता है पर करे तो कैसे करे, हर बात की तो आजकल बात बन जाती है। आथिया सेट्टी और KL राहुल को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान सुनील सेट्टी ने कहा कि अभी पापा चाहते हैं कि लड़की है तो शादी हो जाए, लेकिन एक बार राहुल को ब्रेक मिल जाए, बच्चे डिसाइड करे कब। आप कैलेंडर देखोगे तो डर जाओगे, एक दो दिन का गैप है और 2 दिन में शादी नहीं होती है, तो बस यही है, जब वक्त मिलेगा तो प्लानिंग जरूर होगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि साल 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएंगे और भारत सड़कों के मामलों में अमेरिका के बराबर होगा। अब टोल टैक्स को भुगतान नहीं करना होगा, सीधा आपके खाते से अमाउंट कट जाएगा। 2019 में हमने एक नियम बनाया है कि कारें कंपनी फिटेड नंबर प्लेट के साथ आएंगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनू कुमार, सबाहत इनिशा, अशोक कुमार प्रजापति, अनिल सहाय। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, नितिन गडकरी के कथन अनुसार क्या आपको लगता है कि 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएंगे और बिहार की सड़कें अमेरिका के सड़कों के बराबर होंगी? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।